अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात और हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात का आज ये मलफूज नंबर 20 जो कि हज़रत की मलफूजात की किताब में छपा हुआ है। फरमाते हैं हज़रत जी, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिही लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। फरमाया, इंसान को अपने अलावा दूसरी चीज़ों पर जो फ़र्क और बड़ाई हासिल है, इंसान को अपने अलावा दूसरी चीज़ों पर जो फ़र्क और बड़ाई हासिल है उसमें ज़बान को ख़ास दखल है। अगर ज़बान से आदमी अच्छी बातें करता है तो भलाई ही में उसको इस्तेमाल करता है तो ये कैफियत और बरतरी उसको भलाई में हासिल होगी, और अगर ज़बान को उसने बुराई करने का सामान बना रखा है, जैसे बुरी बातें बकता है और बिना वजह लोगों को तकलीफ़ देता है, जैसे बुरी बातें बकता है और बिना वजह लोगों को तकलीफ़ देता है तो फिर उसी ज़बान की बदौलत वो बुराई में मशहूर और ऊंचा होगा। यहाँ तक कि कभी कभी यही ज़बान आदमी को कुत्ते और सूअर से भी बदतर यानी ज़्यादा बुरा कर देगी, यानी यहाँ तक कि कभी कभी यही ज़बान आदमी को कुत्ते और सूअर से भी बदतर यानी ज़्यादा बुरा कर देगी। हदीस शरीफ में है जिसका मफहूम यानी आदमी को दोजख में औंधे मुंह उनकी बकवास ही डालेगी। हदीस का मफहूम है यानी आदमियों को दोजख में औंधे मुंह उनकी बकवास ही डालेगी। ये मलफूज हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का छपा हुआ है उनके मलफूज की किताब में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर भी पूरी एक प्लेलिस्ट है जिस प्लेलिस्ट का नाम ही हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात है। उसमें मलफूज एक से लेकर जितने मलफूज अभी तक आ चुके हैं वो भी मौजूद हैं, और आइंदा जो भी मलफूज आएंगे इंशाल्लाह वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।